जी जी आपका क्या कहना है इस बारे में? वापस बहुत ही शर्मनाक चीज़ है एंड आई थिंक ये अब रिपीटेडली होते जा रहा है. एंड कल मैं कोई स्टेटिस्टिक्स पढ़ रही थी कि इन अ डे देर आर सम 93 रेप्स विच इज़ अ टेरेबल थिंग फॉर एनी ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री. तो हमें वी डेफिनेटली टू टेक बेटर मेजर्स और इस चीज़ को डेफिनेटली हमें अवेयरनेस तो अभी बढ़ रही है. आई थिंक वी हैव टू टेक स्ट्रिक्टर एक्शंस एज वेल. आई थिंक एवरी मैन शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ टुडे. आवर कंट्री इज ओनली गेटिंग नोन फॉर स्टफ लाइक दिस. मर्दों को मतलब आई डोंट इवन नो हाउ टू बिगिन बिकॉज इट्स सच अ सैड थिंग दैट हैज हैपेंड. एंड येट अगेन हम जब भी बात करते कि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू स्टैंड अप एंड वी वॉन्ट टू बी नोटिस्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग नेशंस इन द वर्ल्ड, ऐसा एक इंसिडेंट आता है, हमें हमारी औकात दिखा देता है. आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ टू पुट द हैंड अप. द काइंड ऑफ चेक्स दैट दे हैव डन फॉर दैट मैन टू गेट सिलेक्टेड, ऑब्वियसली देयर इज नेग्लिजेंस. सो टुडे दे हैव टू स्टैंड अप एंड मेक श्योर दैट इट नेवर हैपेंस अगेन बिकॉज इट्स ह्यूमिलिएटिंग फॉर अस एज पीपल हु गो आउट देयर टू रिप्रेजेंट द यूथ, टू रिप्रेजेंट आवर सोसाइटी, आवर थिंकिंग. हम जब भी कुछ कोशिश करते हैं बोलने की, हम हमेशा बोलते हैं इक्वालिटी. इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग वुमेन एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट. हिंदुस्तान के आधे मर्दों को औरतों की इज्जत करना नहीं आता, आप इक्वालिटी छोड़ दीजिए. सो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग है एंड वी आर हियर फॉर अ प्रेस कॉन फॉर अ फिल्म एंड यू नो मेरा खून खोलता है ये सब चीज़ें बोल के, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ. इट्स जस्ट वेरी वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट व्हाट हैज हैपेंड एंड आई एम रिपल्स्ड. इट्स वन ऑफ द फ्यू डेज वेयर आई डोंट फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन.